हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेटिस्ट शानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आई पेन के बारे में। आई पेन क्या होता है, आई पेन होने का कारण क्या है एंड आई पेन का ट्रीटमेंट क्या है। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि आई पेन के लिए कुछ इफेक्टिव होम रेमिडीज क्या हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर आपको आई रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कॉमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आई पेन क्या होता है। तो आई पेन हमारी एक आई में भी हो सकता है और ये बोथ आई में भी हो सकता है। ये माइल्ड इरिटेशन भी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा गंभीर दर्द भी हो सकता है। बट आँख में दर्द कितना गंभीर है इससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपकी आई में आपको आई से रिलेटेड कोई सीरियस प्रॉब्लम है या फिर ये कोई माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से पेन। जैसे कुछ नॉर्मल आई प्रॉब्लम लाइक स्टाई से बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। बट कुछ सीरियस आई प्रॉब्लम जैसे कैटरैक्ट, मैकुलर डिजेनरेशन, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता। तो दर्द कितना ज़्यादा है हम इससे ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि आपकी आई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या फिर ये कोई माइल्ड इन्फेक्शन है। बट हाँ, आपको आई में होने वाली पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको रेगुलर आई में पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपनी आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि आई पेन होने की वजह क्या हो सकती है। तो आई पेन होने के बहुत सारी डिफरेंट कॉज हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर आपकी आईज में पावर है और आप स्पेक्स रेगुलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है आई पेन होने का। इसके अलावा आई इन्फेक्शन, आई एलर्जी, उसकी वजह से भी आपको आई पेन हो सकता है। वाटरिंग आई या फिर रेडनेस की वजह से भी आपको आई पेन हो सकता है। इसके अलावा ड्राई आई भी एक रीज़न है आई पेन का, जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ड्राईनेस की वजह से हमारी आईज में माइल्ड इरिटेशन हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा पेन भी कर सकती है। तो ऐसे में ड्राई आई से बचने के लिए या फिर आपको ड्राई आई हो तो आपको दिन में दो बार कोल्ड कंप्रेस का यूज़ करना चाहिए। दिन में दो बार ठंडे पानी की पट्टियाँ आप अपनी आँखों पर रख सकते हैं। इससे आपको ड्राई आई की वजह से होने वाली पेन में रिलीफ मिलेगा। हालांकि इसके बाद में आप अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशन, आई ड्रॉप्स भी ले सकते हैं जिससे आपकी ड्राई आई की प्रॉब्लम क्योर हो जाए और उसकी वजह से होने वाला पेन भी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें आई पेन होने की तो कॉर्नियल अवर्शन भी आई पेन का रीज़न हो सकता है। कॉर्नियल अवर्शन यानी हमारी कॉर्निया में होने वाला स्क्रैच है। ये स्क्रैच मामूली भी हो सकता है जो देखेंगे 24 आवर्स के बाद में ऑटोमेटिकली कॉर्निया हील कर लेगी और आपकी कॉर्निया पहले से ही नॉर्मल हेल्दी हो जाएगी। बट ये डीप इंजरी भी हो सकती है और अगर आप इसका मेडिकेशन नहीं कर पाते हो तो फिर ये कॉर्नियल अल्सर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपकी कॉर्निया में स्क्रैच है या फिर ये कॉर्नियल इंजरी है। आपको अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है, वो प्रॉपर आई चेकअप के बाद में ही आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या मेडिकेशन लेनी है या फिर ये सेल्फ हील हो जाएगा। इसके अलावा आपके आई स्पेशलिस्ट आपके कॉर्निया में हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए आईज में आपकी पट्टियां भी बांध सकती हैं जिसकी वजह से आपकी कॉर्नियल की हीलिंग प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाए और आपका जो कॉर्नियल अवर्शन है वो क्योर हो जाए। नेक्स्ट
हमारी आई में पेन का रीजन हो सकता है फॉरेन बॉडी। अगर कॉरियर फॉरेन बॉडी है तो वो भी रीजन है कि हमारी आईज में पेन हो सकता है। फॉरेन बॉडी पार्टिकल यानी कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर मैटर या फिर पुड का पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल हमारी आई में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और हमें आई इंजरी भी हो सकती है। स्पेशली ये तब ज़्यादा हो सकती है इंजरी जब आप अपनी पलकों को झपकाते हो या फिर आप अपनी आईज को रफ करते हो, तो फिर आपकी जो इंजरी है, आई इंजरी, वो इंक्रीज हो सकती है। बट अगर आप प्रॉपर तुरंत आप अपने आई से आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हो तो वहाँ पर प्रॉपर टूल्स के जरिए से आसानी से ये मेटल का पार्टिकल आपकी आई से निकाला जा सकता है। एप्लीकेशन से कॉर्नियल फॉरेन बॉडी सेंसेशन को, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी पार्टिकल को आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा आई पेन होने का रीजन ब्लेफराइटिस भी हो सकता है। ब्लेफराइटिस मेनली मेकअप लगे रहने से या फिर डैंड्रफ की वजह से होता है। इसमें हमारी आईलिड में बहुत ज़्यादा इरिटेशन पेन हो सकता है। इसके अलावा आई पेन का एक और कारण हो सकता है, वो स्टाई हो सकती है। स्टाई मवाद से भरी गांठ होती है हमारी आईलिड में, जिसे हम स्टाई बोलते हैं, और इस टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट अगर आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस टाइम पर आपको गर्म कपड़े की सिकाई करनी है और आपकी आईज में होने वाला पेन में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद भी अगर पेन नहीं जाता है या फिर आपको अदर इन्फेक्शन होता है तो आपको आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में शेयर किए आई पेन होने के। इसके अलावा भी काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं, काफ़ी अदर रीज़न भी हो सकते हैं हमारी आईज में पेन होने का। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आईज में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको पेन हो तो उसे आपको अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद में आपको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। बिकॉज आई पेन को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है या फिर ये नॉर्मल रीज़न है इसके पीछे या फिर ये सीरियस आई डिजीज है। तो डेफिनेटली आपको अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है और उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है, जिससे आपको अपनी आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर आईज। थैंक यू।